अगर व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे 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 अपने आप आपके व्यापार आपका व्यवसाय आपकी। हर हर महादेव साथियों, बहुत ही अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया। घर में लक्ष्मी नहीं आती, धन संपदा नहीं टिक रही, तो इस उपाय को आप जरूर करें। भगवान विष्णु ने भी सावन मास में भगवान शिव को शिवलिंग पर 108 कमल पुष्प समर्पित किए थे और कमल नयन कहलाए थे। मनवांछित फल उन्हें प्राप्त हुआ था, तो मनवांछित फल के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक कमलगट्टा, इस तरह से कमलगट्टा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सावन मास 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, 2 माह का रहेगा, तो आप ढेर सारे कमलगट्टा लेकर के आ जाइए, बहुत सस्ते मिलते हैं। एक कमलगट्टा रोज जाना जल पात्र में डालिए और वह जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए, आपका नाम व गोत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। हे भगवान, आपने विष्णु को भी लक्ष्मी दिए, मेरे घर में भी आप लक्ष्मी माता को भेजिए, बहुत ज़रूरत है उनकी मुझे। इस तरह से भाव व्यक्त करते हुए जो आपकी कामना है वो बोलते हुए कमल गट्टे वाला जल समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव ने तो यहाँ तक बताया है कि आप पहले कमल गट्टा शिवलिंग पर अर्पण करके फिर जल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपने जल के पात्र में कमल गट्टा डाला है तो बाद में जब पूरा संपूर्ण जल आपका चढ़ जाए तब कमल गट्टा भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इतना मात्र करने से 100% माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में जरूर और जरूर होगा। इस बार का सावन मास इसलिए भी खास है क्योंकि अद्भुत योग बन रहा है, सावन मास में ही है अधिक मास, तो 2 महीने का पूरा आपको समय मिल रहा है। एक कमल गट्टा जरूर अर्पण करें। अगर आपको जब तक कमल का पुष्प मिल जाए बाजार में तब तक कमल का पुष्प अर्पण करें, कमल का पुष्प नहीं मिलने पर आप कमल गट्टा अर्पण करें। महिलाएं अब कहेगी कि हमारा तो पीरियड आ जाएगा, हम कैसे करें, माहवारी के टाइम पे कैसे करें। माहवारी के टाइम पे आप घर के किसी भी सदस्य को जल के पात्र में कमल गट्टा डालने के लिए बोल करके उन्हें जल समर्पित करने के लिए बोल दीजिए, तब भी भगवान जरूर और ज़रूर हमारी कामना सुनेंगे, माँ लक्ष्मी को भेजेंगे। तो ये उपाय जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय जानते हैं गुरुदेव ने क्या बताया है सावन मास के लिए। का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सजती थी, याद करिए, श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सजती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था, कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे, श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे, हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे। और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण। हर महादेव साथियों, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, सावन मास का बहुत ही छोटा सा अद्भुत उपाय है जिससे माँ पार्वती, गौरा और शंकर भगवान हमें वर देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, उपस्थित रहते हैं हमारे सामने और सारी कामना पूरी करते हैं। 12 शिवालय जो हमारे नगर गांव में है, 12 शिवालय के दर्शन करना, उनकी झांकियों के दर्शन करना शाम के समय, बहुत ही छोटा सा बहुत ही सरल उपाय है, जरूर करें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए। इस वर्ष
सावन मास 2 माह का पड़ने वाला है। पूरा वीडियो बना हुआ है चैनल पर, आप जरूर देखना। एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगी। 8 सोमवार होने वाले हैं, 4 प्रदोष होने वाली है, 2 शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि इस वर्ष सावन मास में होने वाली है। तो कब से कब तक क्या तारीख रहेगी सब कुछ उस वीडियो में है, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही काम का वीडियो है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। इसी तरह से उपाय आप अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। माँ काल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करें। चलिए चलते हैं तीसरे अद्भुत अचूक उपाय की तरफ, जो करना है सावन मास में। वीडियो को आप जरूर शेयर करें साथियों, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। चलिए देखते हैं तीसरा उपाय। वो कुछ भी करता है उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। सावन मास प्रारंभ होने वाला है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रजस्वला धर्म के यानी कि माहवारी के 7 दिन तक शिवालय नहीं जाएं, शिव अभिषेक ना करें, पूजन ना करें। बहुत सी महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि हमारे तीसरे दिन ब्लडिंग नहीं होती तो क्या हम 4थे दिन जा सकते हैं या 5वें दिन जा सकते हैं। तो सीधा सा इसका उत्तर यह है कि आप नहीं जा सकते हो, आपको 8वें दिन ही शिवालय जाना चाहिए। तो इस बात का जरूर और जरूर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं कि गुरुदेव ने सावन मास का और कौन सा अचूक उपाय बताया है। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं कहीं मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि 1 धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज 1 धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, मनचाही नौकरी पाने के लिए सिर्फ 1 धतूरा जो कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। जैसी चाहते हो आप नौकरी वैसी जरूर मिलेगी। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कितने दिन चढ़ाएं? कम से कम 1 महीना आप लगातार चढ़ाइए, जरूर बाबा आपकी कामना पूरी करेंगे। ऐसे नहीं 1 या 2 दिन चढ़ा दिया और अब नहीं मिल रहा है, कैसे चढ़ाएं, ऐसा नहीं। अगर कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो तो वो जरूर मिलेगी, पर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। छोटा सा उपाय जरूर करें, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव द्वारा बताए उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब।